नमो नमः बच्चों, आज आप लोग छायावाद काल, छायावाद उत्तर काल का परिशीलन करेंगे या अध्ययन करेंगे। छायावाद काल जिसका समय है 1918 से लेकर 1938 ईस्वी तक, इसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, मुक्त छंद में अनुभूतियों को वाणी देने का प्रयास। दूसरा, दैनिक जीवन की विसंगतियों एवं विषमताओं से मुक्ति पाने के लिए प्रकृति एवं आध्यात्मिक की ओर आकर्षित होना। तीसरा है, प्रतीकात्मकता, लाक्षणिकता, अप्रस्तुत विधान, चित्रात्मकता, ध्वन्यात्मकता आदि छायावादी काव्य शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं। चौथी, छायावाद की वृहत्त्रयी जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पांचवी है, छायावाद की लघुत्रयी महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी इत्यादि। कवि एवं रचनाएं। कवि जयशंकर प्रसाद, रचनाएं हैं आंसू, कामायनी लहर, निराला, परिमल, गीतिका, अनामिका। पंत कवि जो प्रकृति एवं सुकुमार कल्पना के कवि कहे जाते हैं, इनकी रचनाएं हैं ग्रंथि, पल्लव, गुंजन। कवि महादेवी वर्मा, आदि काल की मीरा। रचनाएं हैं निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत। छायावादी कविता के हास का कारण, बच्चों हरास का कारण, छायावादी कविता के हरास का मतलब धीरे धीरे उसका लुप्त होना, उसका कारण विदेशी शासन के दमन चक्र से जन सामान्य की निरंतर बढ़ती पीड़ा। इस पीड़ा ने कवियों को मनोलोक की दुनिया तथा कल्पना के प्रदेश से निकाल करके यथार्थ की कठोर भूमि पर खड़ा कर दिया। इस तरह से छायावादी कविता का राश हो गया। छायावादोत्तर काल, इस काल में जनता के दुख दर्द को कविता का विषय बनाया गया। मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का दर्शन अपनाया गया तथा मन के भीतर के यथार्थ को बाहर लाने के लिए सिगमंड फ्रायड के मनोविश्लेषण को उपयोगी समझा गया। इसी को साहित्य में क्रमशः प्रगतिवाद तथा प्रयोगवाद की संज्ञा दी गई है। प्रगतिवाद 1938 से 1943 ईस्वी तक, मार्क्सवाद की अवधारणा पर आधारित रूसी साम्यवाद से प्रेरणा लेकर भारत में शोषण विहीन समाज की स्थापना पर बल। इसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, शिवमंगल सिंह सुमन, डॉक्टर रामविलास शर्मा, नागार्जुन, त्रिलोचन रांगे राघव, केदारनाथ अग्रवाल आदि इसके प्रमुख कवि हैं। दूसरा, पंत, निराला, बालकृष्ण शर्मा, नवीन आदि भी प्रगतिवादी रचनाएं लिखने लगे। तीसरी विशेषता है, शिवमंगल सिंह सुमन, लाल झंडा मास्को अभी दूर है, त्रिलोचन, मिट्टी की बारात, धरती की सोधी गंध, ये रचनाएं हैं। प्रगतिवाद के बाद बच्चों प्रयोगवाद के विषय में समझिए। प्रयोगवाद 1943 से 1953 ईस्वी का समय है। फ्रायड के मनोविश्लेषण सिद्धांत से प्रभावित इसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, व्यक्तिवाद की परिणति घोर अहमवादी, स्वार्थ प्रेरित, असामाजिक, उच्छृंखल एवं असंतुलित मनोवृत्ति के रूप में हुई। दूसरी विशेषता यह है,
यह काव्य धारा सच्चिदानंद हीरानंद वासायन अज्ञे के नेतृत्व में प्रवाहित हुई। तीसरी विशेषता, वर्ष 1943 में अज्ञे द्वारा तार सप्तक प्रकाशित हुआ। इसमें अज्ञे, मुक्तिबोध, गिरिजा कुमार माथुर, प्रभाकर माचवे, नेमीचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल एवं रामविलास शर्मा इत्यादि कवि शामिल थे। चौथी विशेषता, अज्ञे इत्यलम हरी घास पर क्षण भर, ये काव्य संग्रह है अज्ञे जी का। गिरिजा कुमार माथुर ने नाश और निर्माण लिखा। अगली विशेषता त्रिलोचन, त्रिलोचन की धरती। इसके बाद केदारनाथ अग्रवाल ने युग की गंगा लिखा। दूसरा सप्तक वर्ष 1951 में प्रकाशित, इसमें भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय तथा धर्मवीर भारती आदि शामिल थे। तीसरा सप्तक वर्ष 1959 में प्रकाशित, इसमें प्रताप नारायण त्रिपाठी, कीर्ति चौधरी, मदन वासायन, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, विजय देव नारायण साहित तथा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना इत्यादि कवि शामिल थे। वर्ष 1979 में चौथा सप्तक भी प्रकाशित हुआ। अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंद किशोर, आचार्य सुमन राजे, श्री राम वर्मा एवं राजेंद्र किशोर शामिल थे। व्यक्तिवाद की चरम परिणति अहमवाद, परंपरागत मूल्यों का तिरस्कार, जीवन आदर्शों के प्रति अनास्था, सामाजिक एवं आर्थिक वैषम्य के कारण कुंठा एवं वेदना से ग्रस्त आदि प्रवृत्तियां प्रमुख थीं इसकी। अगली विशेषता है बौद्धिकता के कारण कविता में अतिशय दुरूहता एवं क्लिष्टता, क्लिष्टता का अर्थ है कठोरता या कठिनाई विद्यमान थी। बृहत मानव के जीवन पर आम आदमी की महत्ता प्रतिपादित की गई। अंतिम विशेषता है नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार तथा नरेश द्वारा नकेनवाद की स्थापना, इसे प्रपद्यवाद नाम भी दिया गया। बच्चों, इस तरह से आज ये लेक्चर आपका समाप्त होता है। इसके आगे आप नई कविता के विषय में जानेंगे, अर्थात नई कविता के विषय में पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।